नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है राज राजकुमार। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर राजकुमार प्रभु देवा द्वारा लिखित और निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। विकी रजनी और सुनील लुल्ला द्वारा निर्मित फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताहा नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा की। इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत प्रशिक्षित करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टेल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में
पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं। फेकनर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम मुझाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा, शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खोला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे
हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का 2 ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा की। इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके
और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमाई पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरल की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरल शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया मणमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को
संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और प्रमाण दोनों निष्ठेवान है। राजकुमार ड्रग से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, समारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई, बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत शिकित करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और
लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। फिर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत फिक्र करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक
चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है, और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और प्रमाण दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं, केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। फेकनर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत प्रशिक्षित करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़ों खुद
वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब वो ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और प्रमाण दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के सोच सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताहा नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा की। इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन
क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टेल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हंगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले
शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करते हैं करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब वो ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉर्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के सोच सहयोगियों की पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम मुझाई, बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने पाला पनपने पाल
वाला था। शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के कहने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमाई पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरल की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरल शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और ये एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स डीलर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा
मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत शिकित करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉर्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं। इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं और अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम मुझाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है। एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर
ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत प्रशिक्षित करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनीता सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया मनमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हंगा
हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने पला पनपने पाल बाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा कि इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के कहने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत प्रशिक्षित करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है। और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खोला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, समाई पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। इनमें शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत
जो अजीत ताका नाम के माफिया हिटक द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है। और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के सोच सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा शिवराम गुर्जर
और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था जिसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं और अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सैमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से
शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा की। इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमान चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर
अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स
बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमान चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जो जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खोला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। फिर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी फूस, सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमिया
रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। आर राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताहा नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के सोच सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। फिर रोमियो राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी
सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सनू सूद है। ये रोमिया रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं और अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के सोच सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं।
रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरी, पूनम झाई, बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमिया रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरल की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरल शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा की। इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत फिक्र करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतराएंगे उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है। ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में
पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं। फिर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा, शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खोला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे
हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मा के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टका के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई, बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर सिन्हा, शिवराम गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है। और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके
और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टका के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जीबी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है। और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को
संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था, जिसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान है। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज जंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमिया राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन मरमान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमान चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत प्रशिक्षित करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और
लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है। जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था, इसके लिए शिवराज और प्रमाण दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज जंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में टोन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरी, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे
चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है। ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त थे, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज, गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली, के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक समर्थ, इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था, शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमान चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत फिक्र करता है, लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़ों खुद
को अपने कपड़े को उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब वो ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और प्रमाण दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देने के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है, ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज जंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं। केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। फेकनर रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमारी पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। टीम में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं, जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नाटक ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को YouTube पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है, जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है, जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है, जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने वाला था शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो
परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करते करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कार्टल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठेवान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खुला था। घटनाओं के एक मोड़ है ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद बचाया गया दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसीलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, सेमाई पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी फूस, सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर। फिल्म में शाहिद कपूर, सुनिश्चा सिन्हा और सोनू सूद है। ये रोमियो राजकुमार का अनुसरण करता है, एक बदमाश जिसका जीवन बदल जाता है जब वो एक ड्रग्स बैरन की भतीजी चंदा के लिए गिर जाते हैं। वो प्रतिद्वंदी ड्रग्स बैरन शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे पता चलता है कि शिवराज उसका इच्छा के विरुद्ध चंदा से शादी करता है चाहता है। राजकुमार और शिवराज चंदा को जीतने के लिए एक दूसरे के लड़ते हैं जिससे राजकुमार से प्यार हो जाता है। और राजकुमार का नट ट्रेलर 1 अक्टूबर 2013 को यूट्यूब पर अनावरण किया गया था। फिल्म 6 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म का आलोचकों और निर्देशकों से मिश्रित समीक्षा मिली और ये एक व्यावसायिक सफलता थी। रोमियो राजकुमार एक लखनऊ युवा है जो एक छोटे से शहर धरतीपुर में आता है जिसका नाम शिवराज गुर्जर और उसके कट्टर दुश्मन माफिया परमन परमान नाम का दो ड्रग्स बैनर है जो अजीत ताका नाम के माफिया ड्रग द्वारा नियंत्रित है जो हांगकांग के काम करता है। राजकुमार शिवराज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब वो सुंदर शिक्षित चंदा पर ताली बजाता है। उसके लिए अज्ञात चंदा एक अनाथ है जिसे उसके चाचा मानिक परमान ने पाला है। कुछ लगातार लुभाने के बाद चंदा राजकुमार के आकर्षक के पड़ जाते हैं। जैसे ही उनका प्यार पनपने पाला पनपने पाल
वाला था। शिवराज ने चंदा को प्रार्थना करते हुए पानी से निकलते हुए दिखा और उसके गीले शरीर का लालसा के इस बीच वो परमार के साथ समझौता करता है और परमार चंदा की इच्छा के विरुद्ध चंदा की शादी शिवराज के करने का फैसला करता है। गुस्से में राजकुमार शिवराज को आदमियों की पिटाई करता है और उसे चुनौती देते हैं कि वो शिवराज के सामने चंदा के से शादी करेगा। शिवराज चंदा को प्रभावित करने की बहुत शिकित करता है लेकिन असफलता हो जाते हैं। चंदा एक दिन क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के साथ शिवराज को चुनौती देते हैं। वो कहती है कि वो अपने कपड़े खुद उतराएंगे उतारेंगे और अगर शिवराज राजकुमार को हरा देगा। गुस्से से शिवराज राजकुमार को उसके पालतू पुलिस अधिकारी द्वारा मुठभेड़ में मारने की योजना बना रहे हैं लेकिन बदले में उसे एक चकाने वाला आश्चर्य होता है जब वो पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और लेकिन बदले में उसे एक चौंकाने वाला आश्चर्य होना होता है जब ये पता चलता है कि राजकुमार वास्तव में डॉन अजीज टक्का के लिए काम करता है और उसे केवल ड्रग्स कॉटल को संभालने के लिए धरतीपुर भेजा गया था। इसके लिए शिवराज और परमान दोनों निष्ठावान हैं। राजकुमार ड्रग्स से भरे शिवराज के ट्रक को पकड़ लेता है और टाका तक ले जाते हैं। शिवराज का चोरी हुआ ट्रक टक्का को देते के बाद पता चलता है कि ट्रक खोला था। घटनाओं के एक मोड़ है। ये पता चलता है कि शिवराज और टक्का ने साथ मिला था और जानबूझकर राजकुमार को खाली ट्रक चुराया था। शिवराज ने राजकुमार को बेरहमी से मार डाला और उसके आदमियों ने उसे दफना दिया। शिवराज चंदा के साथ अपनी शादी का जश्न शुरू करते हैं केवल अभी भी जीवित राजकुमार द्वारा बाधित किया जाता है। जैसे शिवराज के गुंडों कमर अली द्वारा दफनाए जाते हैं के बाद दिखाया गया है। शिवराज के आदमी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे आज राजकुमार के दोस्त हैं इसलिए दोनों के बीच अपने सामने की लड़ाई होते हैं। अधिकांश लड़ाई के लिए शिवराज राजकुमार को पकड़ देते हैं। अंत में राजकुमार शिवराज को गले में पावर पंच में मारता है और बाद में डॉन टक्का को सिरेमिक टाइल से मार देते हैं। हफ्ता के बाद वो चंदा से शादी करता है। फिल्म कमर अली के नेतृत्व में सभी पुरुषों के साथ परमार और शिवराज के शोष सहयोगियों के पिटाई के साथ समाप्त होती है जबकि एक गंभीर रूप से घायल राजकुमार और चंदा खुशी से हाथ डाले चले जाते हैं। एक रूमे राजकुमार के रूप में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के चंदू के रूप में शिवराज गुर्जर के रूप में सोनू सूद, माकिन वर्मान के रूप में आशीष विद्यार्थी, जमाई पंडित के रूप में कमल अली के रूप में मुकुल देव, अजीत टक्का के रूप में श्रीहरि, पूनम झाई बिंदु के रूप में अशोक, समर्थ इंस्पेक्टर के रूप में जी बी सुधाकर नायडू, चतुर सिंह के रूप में विजय पाटकर।